हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश स्टार यू के। फ्रेंड, मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ गढ़वाली डिश आलू का खिंचवाड़ी, जो कि बहुत टेस्टी होता है। और फ्रेंड, आप इसे चावलों के साथ खाना तो आप ज़रूर ट्राई करना बना के, एक बार मेरे तरीके से बना के देखना, क्या पता आप लोगों को पसंद आ जाए। तो चलो फ्रेंड, हम बनाते हैं आलू का खिंचवाड़ी। तो आइए फ्रेंड, हम आलू का खिंचवाड़ी बनाते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, उसके बाद हम एक बड़ा चम्मच जख्या ऐड करेंगे इसमें। फ्रेंड, जख्या लगभग हर जगह मिल जाता है। इसके बाद हम इसमें एक छोटा सा प्याज डालेंगे, जो कि मैंने पहले ही कट कर रखा था। प्याज लगभग ब्राउन हो चुका है और हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा सा टमाटर। फ्रेंड, हम इसमें टमाटर ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि बस थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डालेंगे, क्योंकि आलू की खिंचवाड़ी में टमाटर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। हम इसे बहुत ही सिंपल बनाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप बाद में भी डाल सकते हो स्वाद अनुसार। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू, जो मैंने पहले ही पीस के रखे थे। फ्रेंड, हम इसे थोड़ी देर तक भूनते रहेंगे और यदि अच्छे हो जाएंगे हम इसमें थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक के रखेंगे। तो फ्रेंड, हम इसमें इसे थोड़ा ढक के रखेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर 2 मिनट के लिए इसे ढक के रखेंगे। अब हम इसे निकालेंगे। देखिए फ्रेंड, आलू अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और लगता है बहुत अच्छे हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। फ्रेंड, मैंने मसाले पहले ही पीस के रखे थे, इसे मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर रखी हैं। और इसमें एक सीक्रेट है, वो है फ्रेंड 1 चम्मच आटा। हाँ, मसालों में इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आलू में मिला देंगे। इसमें हल्का सा पानी ऐड कर देंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, थोड़ी देर इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड, हमारे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमारे आलू की खिंचवाड़ी लगभग बनके तैयार है, आप देख सकते हो। फ्रेंड, ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं लगता, अच्छा इसमें तरी बहुत अच्छी लगती है। अब लास्ट चीज़ है जो हम इसमें ऐड करेंगे, वो है हरा धनिया। फ्रेंड, हरा धनिया का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। और फ्रेंड, अगर मेरी रेसिपी आलू की खिंचवाड़ी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना कैसी लगी। तो थैंक यू फ्रेंड।